हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो को 2x स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, आपको पूरा वीडियो का पता चल जाएगा कि क्या वीडियो में समझा था और आपका टाइम बच जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SSC GD 2023 से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको बिल्कुल रियल और बिल्कुल सटीक मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को दोस्तों का शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए। अब इस वीडियो में बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब बहुत तो परेशान है रैंक आईक्यू को लेकर, रैंक आईक्यू पे इतना हो रहा है, रियल में इतना होगा कि नहीं होगा। मैं वो सबसे हटके बता रहा हूँ, मैं इससे बताने जा रहा हूँ कि नॉमिनेशन कैसे होता है, किस प्रकार से आपका नॉमिनेशन होगा, कैसे पता उन लोगों की किस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी। तो आप लोगों को पता होगा कि SSC GD का एग्जाम जो हुआ टोटल 76 शिफ्टों में हुआ था, शिफ्टों में हुआ था 76। और ये पता होगा फॉर्म अप्रॉक्स में 54 लाख पड़े थे लेकिन एग्जाम दिया था 35 लाख। तो आप ये समझ लीजिए कि एक अगर आप एवरेज निकालेंगे टोटल 76 कितनी शिफ्ट हुई, 76 शिफ्ट हुई और अगर 35 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो अप्रॉक्स में एक शिफ्ट में वही बच्चे कितने हुए, 50,000 यानी 50,000 समथिंग बच्चों ने एक शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा। तो ये आपका समझिए ये बता रहा हूँ कैसे नॉमिनेशन निकलता है। तो अब उस थोड़ा भूल जाइए, मैं थोड़ा आपको कम में समझा रहा हूँ, एक तरह एवरेज समझा रहा हूँ। समझिए कि मैंने मान लिया टोटल 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और 3 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो मान लिया किसी एक बच्चे के, मतलब 3 बच्चे नहीं दिए, ये मान बच्चा कमजोर हो सकता है, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक। किसी शिफ्ट का वो लोग एवरेज निकाल देंगे, क्या निकालेंगे एवरेज। माना जो फर्स्ट शिफ्ट पे एग्जाम हुआ उसका एवरेज उन्होंने निकाला कितना आया 100, जो दूसरा शिफ्ट हुआ उसका एवरेज निकाला उसका आया 105 यानी 105 और थर्ड शिफ्ट किया तो उसका कितना आया एवरेज, मैंने मान लिया 110। तो ये 3 शिफ्ट का एवरेज, पहली शिफ्ट का एवरेज कितना निकला 100, सेकंड का निकला 105 और थर्ड का निकला 110। तो ये 3 शिफ्ट का एवरेज हो गया। अब बात करते हैं SSC नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगी, क्या माइनस करेगी, क्या प्लस करेगी। बात करते हैं GD 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें SSC क्या कर रहा था, कुछ बच्चों को माइनस कर रहा था, कुछ बच्चों के प्लस कर रहा था। लेकिन इधर अप्रॉक्स में 4 से 6 महीने पहले की बात, जब से CPO CGL का आया है, SSC ने ये थोड़ा ट्रेंड कम कर दिया, उन्होंने सिर्फ क्या प्लस अगर नॉमिनेशन पे किया, जिससे क्या होता है कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, अगर प्लस माइनस दोनों करते तो कट ऑफ कम भी जाती है। तो ये डिपेंड होता है क्या कट ऑफ उनको लग रहा है ज्यादा जा रही है कि कम जा रही है, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 95% तो मैं श्योर हूँ कि नंबर सबके बढ़ने वाले हैं और नंबर किसी के घटने वाले नहीं। तो ये भी सोचिए कि बढ़ने वाले घटते हैं तो घाटा होता है, घाटा किसी का नहीं होता। अगर सबके बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ेंगे तो वो आपको उससे मतलब नहीं है कि घटेंगे तो मेरा घाटा हो गया। अगर आपकी सिर्फ पीजी है तो अगर ये मत तो आप घटेंगे तो इसलिए घटेंगे क्योंकि सिर्फ पीजी थी, जैसे घटेंगे नहीं, इस बार सिर्फ बढ़ने का चांस है, घटने के चांस कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कैसे ये लोग करेंगे। मैंने क्या बोला था अभी कि एक शिफ्ट का एवरेज निकला 100, एक का निकला 105 और एक का निकला 110। अगर SSC ने क्या अपनाया, सिर्फ बढ़ाने का, क्या अपनाया, सिर्फ बढ़ाने का अपनाया, तो वो लोग क्या करते हैं जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा निकला होगा, जैसे मैंने मान लिया कि जो थर्ड शिफ्ट मैंने बताया कि उसका एवरेज निकला था 110, तो क्या करेंगे जिस शिफ्ट का एवरेज कितना निकला था 100 निकला था, उन सब के बच्चों को कितने कितने नंबर बढ़ा देंगे, 10-10 नंबर बढ़ा देंगे। तो 100 था उनका कितना हो गया एवरेज, 110 हो गया। और जिसके कितने थे 105 थे उसके कितने कम निकलने एवरेज से, 5 नंबर कम निकलना, तो उसको 5 नंबर बढ़ा देंगे तो उसके कितने हो गए 110। और जो आपकी जो जिसका सबसे ज्यादा था 110 उसका ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। ऐसे भी शिफ्ट होंगे जिसमें बहुत ऐसा होगा जिसमें कुछ भी उनका नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो ये कब हुआ, जब SSC सिर्फ प्लस का अपनाएगी। और ये बात करते जब SSC दोनों अपनाएगी प्लस माइनस तब क्या करेगी, तो वो मिड का निकालेंगे, क्या निकालेंगे एवरेज, मिड से निकालेंगे। मैंने वो फिर किसको मानेंगे, उन्होंने मान लिया होगा कि 105 कितना मानेंगे, वो लोग 105 मानेंगे। फिर जिसके 100 थे उसके 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 105 उसका भी हो गया, और जिसके 110 थे उसका 5 घटा देंगे तो उसका कितना हो गया एवरेज 105। तो नॉर्मलाइजेशन किस पे होता है, एवरेज पे होता है। ये समझिए मेरे गलत है, मेरे ज्यादा सही है, उससे वो थोड़ा सा होता है लेकिन ज्यादातर डिपेंड किस पे होता है, ये भी होता है अगर आपके ज्यादा आपने अटेंड किए, आपकी एक्यूरेसी गलत है, एक्यूरेसी कम है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादातर वो किस पे ध्यान देते हैं, एवरेज पे ध्यान देते हैं। तो ये होता है SSC का नॉमिनेशन करने का तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो दोस्तों का शेयर किया गया, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।